कि नफरत की, की आंख से ना देख कि नफरत की, की आंख से ना देख मैं दरिया में नहा के आया हूं कि नफरत की, की आंख से ना देख मैं दरिया में नहा हूं हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी मेरा मैं तूफानों से लड़के आया हूं सपनों को सच में बदलने के लिए तो ही अपनों से छोड़कर आया हूं जह हिंद मातरम इनकलाब जिंदाबाद जी हाँ आज की क्लास का आगाज करेंगे बहुत ही जल्द एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए जी हाँ आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा जी हाँ अपने तीन क्लास हो चुकी है आज की अपनी चौथी क्लास है साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जी हाँ नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है उनसे एक बार यही कहूंगा कि नोट्स शुरू कर दीजिए जी हाँ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए जी हाँ बिना किसी देरी के एक बार सभी बच्चे अपने जो दोस्त आए नहीं है अभी तक लाइव वो सारे बच्चे अभी तक जोड़ लीजिए एक बार सभी बच्चे जी बिल्कुल जोड़ लीजिए एक बार अपना ये जीत बेच है दिल्ली पुलिस का जिसमें साइंस की आज क्लास चल रही है है बहुत ही महत्वपूर्ण जी हाँ। जोड़ लीजिए एक बार बिना किसी देरी के फिर क्लास का आगाज करते हैं जी हाँ एक बार जोड़ लीजिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए एक बार सभी ताकि क्लास का आगाज करें अपन जी हाँ बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं क्लास का जी हाँ अब क्लास में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने पढ़ा क्या था थोड़ा सा दो मिनट में विवरण देखते थे तो कल पढ़ा था हमने जो गुणसूत्रीय विकार है गुणसूत्र में कमी या अधिकता से तो गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से पढ़े थे एक बार दो मिनट के लिए वापस देख लेते हैं तो गुणसूत्रीय विकार में हमने सबसे पहले क्या देखा था जिसमें पहला गुणसूत्रीय विकार था हमने पढ़ा क्या था गुणसूत्रीय विकार गुणसूत्रीय विकार पढ़ाता हमने जी गुरुजी ठीक है ठीक है तो गुणसूत्रीय विकार कितने होते हैं गुणसूत्रीय विकार में हमने पहले पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम कौन सा पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था जी गुरुजी ठीक है हमने ये पढ़ लिया था टर्नर सिंड्रोम क्या था यह कौन सा था गुणसूत्रीय विकार के कारण लिंग गुणसूत्र के कारण लिंग गुणसूत्र के कारण होने वाला सिंड्रोम है जी हाँ इसमें क्या होता था इसमें जो एक लिंग गुणसूत्र रहता है वह कमी हो जाती थी कौन में किस में होती है वो महिला में कौन से में महिला में होती है महिला में कितना होता है 22 प्लस एक्स तो एक एक्स की कमी होती थी तो तब हो गया 22 प्लस एक्स तो एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो गई इसके कारण कौन सा रोग हुआ टर्नर सिंड्रोम हुआ जी हां ठीक है जी गुरुजी ऐसे लक्षण महिलाओं में आ जाते जिससे ये जो मां नहीं बन पाती है जी हा और इनका कद हमेशा छोटा होता है दूसरा कौन सा था क्लाइफेंड्र सिंड्रोम दूसरा कौन सा था क्लाइफेंड्र क्लाइफेड्र सिंड्रोम था ठीक है इसमें क्या था इसमें भी गुणसूत्र से या लिंग गुणसूत्र की कमी से हुआ था या अधिकता से बताइए देखें जी हाँ ये पुरुषों में होता है और एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हुई थी ये सिर्फ पुरुषों में होता था ठीक है इसमें होता है ये पुरुषों में होता है और एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता तो पुरुषों में क्या होता है 22 प्लस और एक अधिकता हो हो गई तो तो कितने हो गए टोटल 47। ठीक है इसमें कितने थे पैंतालीस एक लिंग गुणसूत्र की कमी इसमें एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता उसमें पैतालीस हो गए इसमें सैतालीस हो गए थे अगला कौन सा था डाउन सिंड्रोम अगला कौन सा था डाउन सिंड्रोम था ठीक है जी गुरु जी उसमें क्या था डाउन सिंड्रोम तो डाउन सिंड्रोम में क्या था जो इंग्लैंड के लैंगडन डाउन है उन्होंने जड़ बुद्धिदा का अध्ययन भी किया था और उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा था जिसमें क्या था जो इक्कीसवीं जोड़ी की गुणसूत्र है कौन सी इक्कीसवीं जोड़ी उसमें गुणसूत्रों में दो की जगह तीन दो की जगह तीन गुणसूत्र हो जाते हैं कौन जोड़ी में इक्कीसवीं जोड़ी में ठीक है गुणसूत्र की संख्या इसमें भी सैतालीस हो जाती है अगला था पटाऊ सिंड्रोम। में, 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 में।, में दो की जगह तीन गुणसूत्र हो जाते हैं ठीक है जी गुरु जी तेरहवीं जोड़ी में जो गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई थी और तालु में दर दरार बैरापन ऐसा इसका लक्षण था ठीक है अगला था एडवर्ड कौन सा था एडवर्ड सिंड्रोम सिंड्रोम अब एडवर्ड में क्या था ये भी एक बार चेंजेस हो, इसमें, इसमें हो जाते थे और टोटल सैतालीस हो जाते थे और ऐसे बच्चे एक छह मास से एक साल तक ही जीवित रहते थे जिनके कान में विकृति मस्तिष्क में या अविकसित अव होता था जी हाँ और इसके बच्चों के जन्म के तीन माह के जो बच्चा जन्म लेता है बच्चा या लगता है बच्चे के जो रक्त का परीक्षण होता है तीन माह के बाद तीन माह के जो बाद जो परीक्षण होता है उसी में इस सिंड्रोम के बारे में पता लग जाता है तो तभी से इसका इलाज कर लिया जाता है जी हाँ इसके बाद में अपन पढ़ते हैं आज आगे का टॉपिक ठीक है यहां तक गुणसूत्रों वाले सारी कंप्लीट हो गई थे यह कौन सा था गुणसूत्रों वाला तो आज जो मेन टॉपिक है मैंने उसी में अगला पॉइंट लेते हैं अपन के चल क्या नहीं है कोशिकांग क्या चल रहा है कोशिकांग तो शरीर जो कोशिका होती है नाम से स्पष्ट है ठीक है किसे कहते कि कोशिका के अंग को कोशिका के अंग को कौशिकांग कहते हैं जी गुरु जी ऐसा ही है ठीक है नाम से ही स्पष्ट है कोशिका के हैं को, तो जिसमें में पहला कौशिकांग कौन सा था गुणसूत्र कौन सा था हमने गुणसूत्र पढ़ा है जी गुरु जी गुणसूत्र पढ़ा है ठीक है गुणसूत्र में हमने पूरा विवरण देख लिया क्या हुआ क्या नहीं कब कुछ पूरा विवरण देख लिया था गुणसूत्र की कमी से कौन से विकार हुए या कौन से सिंडो उत्पन्न हुए अधिकता से कौन से तो गुणसूत्र का कोशिकांग वाला तो फर्स्ट कोशिकांग है वो कंप्लीट हो गया जी हाँ अगला तो दूसरा देखते हैं या फिर जो जितने भी कोशिकांग है उसको एक बार दृष्टि से देख लेते हैं जी हाँ एक तो कोशिकांग हो गया दूसरा कौन सा होता है कोशिका भित्ति कौन सा होता है कोशिका भित्ति ठीक है जी गुरु जी कोशिका भित्ति या अपन इसको कई बार देखने को मिलता है कि क्या होता है टेलोल इसका भी देखने को मिलता है ठीक है अगला देखते हैं एक होती है कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली ठीक है जी गुरु जी अगला देख लिया कौन सा हुआ कोशिका झिल्ली ठीक है अगला देखते हैं माइट्रोकोंड्रिया माइट्रो कंड्रिया ठीक है जी गुरुजी माइटोकांड्रिया के बाद जो अगला नेक्स्ट देखते हैं वो देखते हैं कौन लाइसोसोम कौन सा देखेंगे पांच नंबर पे लाइसोसोम लाइसोसोम ठीक है उसने अगला देखते हैं अंतःप्रद्रवी जाली का कौन से देखेंगे अंतःप्रद्रवी जाली का या ईआर भी बोलते हैं इसको कौन से बोलते हैं ईआरई अंतः प्रद्रवी जाली का अंतःप्रद्रवी जाली का। ठीक है जी गुरु जी अगला इसके बाद में देखते हैं जो के बाद में आती रि... रिक्तिका रिक्टिका जरूरी नहीं है से अपन याद करें जो कोशिकाऊंगा उनका सारा विवरण देखेंगे कौन सी हो गई रिक्टिका फिर है लवक भी बोल सकते हैं अगला होगा वैसे लवक फिर कौन सा बच गया प्लाज्मिड कौन सा हो गया प्लाज्मिड एक सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं फुन. तारक काय हिंदी में ज्यादा पढ़ेंगे इंग्लिश का वर्ड कम यूज करेंगे क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा है. हिंदी में पूछे जाते हैं जी हाँ अगला कौन सा हो गया तारक काय एक कौन सा बस गया केंद्रक भी बच गया ठीक है ग्यारह नंबर पे देख लेते हैं केंद्रक जी देख लिया केंद्रक रिक्टिका हो गई ठीक है लवक भी हो गया ठीक है गोलजी का प्लाजमिड लाइसोसोम लाइसोसोम नहीं लाइसोसोम भी हो गया ठीक है इन सभी सबका वर्णन, दे सब वर्णन देखेंगे इसमें जी जैसा कि हमने पहला विवरण देखा था किसका देखा था कोशिकाओं का गुणसूत्र का कोशिका के जो अंग है उनमें गुणसूत्र का विवरण हमने देख लिया आज दूसरे टॉपिक पे आते हैं कोशिका भित्ति या सेल वोल कोई सा भी उठा सकते हैं कर्म इसका नहीं है तो कोई सा भी अपन उठा सकते हैं तो हमने गुणसूत्र का विवरण पहले पढ़ लिया आगे पढ़ते हैं आज कोशिका भित्ती जी गुरु जी अगर आप उतारना चाहते हो तो एक बार उतार लीजिए साथ साथ में जी के अंग है या कोशिकांग है तो कोशिकांग कौन कौन से होते हैं जो नाम से स्पष्ट है कि कोशिकांग किसको कहते हैं कि कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं ठीक है जी गुरु जी कोशिका के अंग कौन कौन से हो गए गुणसूत्र हो गया कोशिका भित्ती हो गई कोशिका झिल्ली हो गई

जी हाँ अगला है कोशिका भित्ति अगला कौन सा है कोशिका भित्ति ठीक है जी गुरु जी वॉल ठीक है जी गुरु जी ठीक है इसका विवरण देखते हैं तो इसमें क्या होता है जो कोशिका होती है उसकी कोशिका का के सबसे जो बाहरी आवरण होता है कोशिका का के सबसे जो बाहरी आवरण होता है जो निर्जीव होता है जी हाँ निर्जीव निष्क्रिय भाग होता है जो शरीर या कोशिका को बाहरी सहायता भी प्रदान करता है और निर्जीव भाग होता है ठीक है जी हाँ जो कोशिका बेटी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है ठीक है जी हाँ एक बार इसका विवरण में देख लेते हैं साठ में नोट्स बनाते जाइए क्योंकि नोट्स ही इंपॉर्टेंट है जी हाँ नोट्स ही आपको काम में आएंगे तो ये कौन सी होती है कोशिका झिल्ली के बाहर होती है यह भी मान सकते हैं फिर अपन आगे पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली तो ठीक है इस कोशिका झिल्ली के बाहर ही कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित संरचना होती है स्थित संरचना हो, संरचना होती है जो निर्जीव होती है या ऐसा भी बोल सकते हैं जो निर्जीव वह निष्क्रिय होती है निर्जीव है, निष्क्रिय होती है वो क्या होती है कोशिका कहलाती है, ठीक है साथ ही में इसको एक एक ठीक है किसकी बनी होती है सेल्युलोज की बनी होती है ये इंपॉर्टेंट है याद रखना ये सेल्यूलोज की बनी होती है ठीक है, है? है।, है, है।, ठीक है? जी गुरुजी जी की बनी होती है ये भी हमें याद रखना है जी हां ठीक है जी गुरु जी दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादपों में होती है यह केवल पादपों में होती है यह और सिर्फ और सिर्फ केवल पादपों में होती है जंतुओं में नहीं होती है सुवाने कहा था कि यह मात्र और मात्र जो सेल वोल है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में स्थित होती है पादप कोशिकाओं में स्थित होती है उपस्थित होती है जी हां ठीक है जी गुरु जी या फिर ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि बाह्य आघातों से कोशिका की रक्षा करते हैं क्योंकि सबसे बाहरी होता है कठोर आवरण होता है निष्क्रिय है निष्क्रिय व निर्जी होता है ठीक है तो ऐसा भी अपन इसमें भाषा में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि ये बाह्य आवरण से बाह्य आघातों से बाह्य आघातों से कोशिका की रक्षा करता है बाह्य आघातों से कोशिका की या कोशिका की रक्षा करता है या रक्षा करती है सेल वॉल ठीक है ठीक। जी गुरु जी बात करते हैं जो कोशिका होती है तो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन ये होती है वॉल सेल वोल्ट ठीक है जिया सबसे बाहरी होती है कठोर भी होती है निर्जीव व निष्क्रिय भी होती है कोशिका के सबसे मध्य में होता है सेंड्रोम या जिसे बोलते हैं केंद्रक ठीक है जी गुरुजी जी यह हो गई कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली ठीक है

या एक बार देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित संरचना होती है जो निर्जी हुए निष्क्रिय होती है जो सेलुलोज की बनी होती है यह केवल पादपों में स्थित होती है जो बाह्य आगतों से कोशिका की रक्षा करती है कौन करती है सेलोल या कोशिका वित्तीय ठीक है अगला देखते हैं स्क्रीन शोर्ट ले लीजिए एक बार या फिर साथ में लिखते जाइए जी हाँ नेक्स्ट अगला तीन नंबर पे देखते हैं अपन क्या देख लेते हैं कोशिका झिल्ली तीन नंबर पे देखते हैं कोशिका झिल्ली का जी हाँ कोशिका झिल्ली जी गुरु जी कोशिका झिल्ली का वर्णन देखते है। कोशिका का हैं कोशिका झिल्ली है का जैसे हमने पहले ही कहा था कि कोशिका झिल्ली जो कि सेल वॉल के अंदर स्थित होती है क्योंकि कोशिका भित्ती का देखा था तो जो कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होता है तो जाहिर सी बात है कोशिका भित्ती के अंदर स्थित होती है क्या होती है कोशिका झिल्ली ठीक है यह कोशिका के बाहर झिल्ली के रूप में संरचना होती है जो कोशिका होती है उस कोशिका के बाहर सारे कोशिकांग अंदर होते हैं और कोशिका के बाहर कोशिका के बाहर आवरण के समान जो कोशिका है उसमें कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं तो कोशिका के बाहर जिल्ली के रूप में संरचना होती है जिल्ली या आवरण बोल सकते हैं या आप उन जिल्ली बोल या जिल्ली के रूप में कोशिका के बाहर जिल्ली के रूप में संतثناء होती है ठीक है जी गुरुजी अगली बात देख लेते हैं यह कोशिका के अंदर कोशिकाओं को की रक्षा करती है ठीक है एक कोशिका के जो अंदर स्थित होते हैं जो कोशिकांग होते हैं उन कोशिकाओं को कोई आवरण ही बना रहता है उनकी रक्षा करती है या दूसरी भाषा में इसे वो बोल सकते हैं कि कोशिका के आंतरिक संरचनाओं को आवरण प्रदान करती है जो कोशिका के अंदर है ऐसा बोल सकते हैं अपन कोशिका के कोशिका को आवरण प्रदान करती है ऐसा भी बोल सकती है कोशिका है उस कोशिका के आंतरिक संरचनाओं को कोशिका के आंतरिक संरचनाओं को प्रदान करती है अब आंतरिक जो संरचनाएं हैं तो आंतरिक में कौन से च्रह בחarm, का हो गए कोशिकांगों हो गए माइट्राकोंड्री हो चाहे लाइसोसोम चाहे अंतरिक प्रतिजालिका हो चाहे लवाक हो चाहे तारकाय हो सभी को आंतरिक संरचनाएं प्रदान करती है जी हाँ दूसरी बात में इंपोर्टेंट होती, कि जो जिल्ली होती है, है? कोशी का जिली है वह किसकी बनी होती है जी हाँ यह होती है लिपिड की बनी लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है किसकी बनी होती है जी गुरु जी लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है जी हाँ लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है जी हाँ ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है तो लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है ठीक है जी हाँ जो कोशिका के आंतरिक को आवरण प्रदान करती है साथ ही में कोशिका व कोशिका के मध्य दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोशिका कोशिका वोशिका कोशिका के कोशिका व कोशिका के बाहर आणविक कोशिका व कोशिका के बाहर जो आणविक हो, गतिविधियां होती है आणविक गतिविधियों आणविक गतिविधियों होती है जो कोशिका व कोशिका के बाहर जितनी भी आंतरिक या बाहरी जो गतिविधियां होती है उनके मध्य एक जो गतिविधियों को जो नियंत्रित करती है गतिविधियों को नियंत्रित करती है कोशिका व कोशिका के बाहर आणविक गतिविधियों को नियंत्रित करती है ठीक है या इन कोशिका कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो गतिविधियां होती है उनके मध्य आणविक गतिविधियों को नियंत्रित करती है ठीक है जी गुरु जी आ गई कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर झिल्ली के रूप में या आवरण के रूप में संरचना होती है कोशिका सेलवोल होती है उसके अंदर कोशिका झिल्ली स्थित होती है कोशिका के संरचनाओं को आवरण प्रदान करती है लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है कोशिका व कोशिका के बाहर जो आर्णवी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करती है जी हाँ अगर समझ में उतार लीजिए एक बार इनको या स्क्रीन ले लीजिए उसके बाद आगे चलते हैं अगला जो अपना कोशिकांग रहेगा जी हाँ एक बार उतार लीजिए इनको सभी को या स्क्रीन ले लीजिए तब तक अगला देखते हैं माइट्रोकोन्ड्रिया अपना चार नंबर का कौन सा है माइट्रोकोन्ड्रिया जी हा चार नंबर पे देखते हैं अपन माइट्रोकोंड्रिया को ला देखते हैं माइट्रोकोन्ड्रिया जी हाँ सबको पता होगा बहुत बार हमने पढ़ भी दिया तो माइट्रोकोन्ड्रिया जी हाँ माइट्रोकोन्ड्रिया क्या चीज है और सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कोशिका के कोशिकांगों के बारे में अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा माइट्रोकोंड्रिया से पूछा जाता है जी हाँ किसे पूछा जाता है किस कोशिका से माइट्रोकोंड्रिया से पूछा जाता है ठीक है जी गुरु जी तो माइट्रोकोंड्रिया से क्या पूछा जाता है सबसे पहले यह पूछा जाता है कि माइट्रोकोंड्रिया की खोज किसने की थी ठीक है जी गुरु जी सबसे पहले देखते हैं खोज तो माइट्रोकोड्रिया की खोज किसने की थी एक बार कमेंट में दीजिए बहुत बार पूछा है अल्टमान ने की जी हा किसने की थी अल्टमान ने की जी हाँ बिल्कुल ठीक है जी गुरु जी मान लिया आपकी बात ठीक है अगला देखते कि ये जो है वो नाम किसने दिया था जो नाम है ये नाम किसने दिया था तो जो नाम था वो दिया था सी बेंडा ने। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पैट्रोक का जो नाम है वह नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था तो नाम दिया था सी बेंडा ने कोच किसने की थी अल्टमान ने ठीक है जी गुरु जी इतना हो गया अगला पॉइंट पूछा जाता है जो एग्जाम में तीन नंबर पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है ठीक है कि कोशिका का पावर हाउस ठीक है क्या हो गया कोशिका का जो पावर हाउस होता है कोशिका का पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं वो भी माइड्रोकोन्ड्रिया को कहते हैं जी हां है। जी गुरु जी अगर दूसरी भाषा में अपुन बोल सकते हैं पावर हाउस के अलावा इसको क्या कहते हैं कोशिका का शक्तिग्रह दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते इसको कोशिका का जो शक्तिग्रह होता है का का वो भी किसको कहते हैं है। दूसरी लैंग्वेज में एक चीज और देख सकते हैं कि कोशिका का जो किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनर आप पे पूछ सकता है वो एग्जामिनर पे डिफेंड करता है ठीक है कोशिका का पावर हाउस कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का शक्ति केंद्र कोशिका का शक्ति केंद्र कोशिका का शक्ति केंद्र इसको कहते हैं का तीनों में से किसी भी नाम से पूछ सकता है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है जी हाँ ठीक है जी गुरु जी या कोशिका का शक्तिग्रह सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं माइट्रोकोड्रिया को ठीक है जी गुरु जी आगे देखें इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है जो, उसके, इसमें, के? या इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है क्या है इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है दोहरी झिल्ली पाई जाती है ठीक है जी गुरु जी दोहरी झिल्ली पाई जाती है जी गुरु जी दोहरी झिल्ली पाई जाती है ठीक है जी गुरु जी ठीक है दोहरी झिल्ली पाई जाती है ठीक है अगर तो ये दोहरी झिल्ली होती है ये जो धागे के समान संरचना होती है जो दोहरी झिल्ली होती है ये धागे के समान संरचना होती है धाघे के समान संरचना होती है धागे के समान संरचना होती है ठीक है नोट्स बनाओ तो इस पॉइंट बनाकर बनाओ ताकि आगे आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत ना हो थ्योरी की बजाय अगर पॉइंट बनाकर पढ़ोगे तो याद होने में बड़ी आसानी होगी ठीक है एक बार विवरण देखते कि माइट्रोकोन्डिया खोज किसने की थी अल्ट्रमा ने नाम किसने दिया सिबेंडा ने कोशिका का पावर हाउस कोशिका का शक्तिग्रह कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहते हैं माइट्रोकोंड्रिया को तीनों ठीक है एग्जाम पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से पूछता है ठीक है अगला देखते हैं कि इसके चारों और जो दोहरी झिल्ली पाई जाती है ये धागे के समान सनसना होती है ठीक है जी गुरु जी आगे देखते हैं कि इसके आंतरिक भाग पर अंगुली जैसी उभार होते हैं कि इसके आंतरिक भाग पे ठीक है क्या होता है इसके जो आंतरिक भाग है आंतरिक भाग पर अंगुली नुमा बोल सकते हैं या अंगुली जैसे अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं या उभार होते हैं अब कहीं एक बार एग्जाम में ये पूछा गया कि जो आंतरिक भाग में जो अंगुली नुमा उभार होते हैं उनको क्या बोलते हैं तो जो आंतरिक अंगुली नुमा उभार होते हैं उनको ऊपर बोलते हैं क्रिस्टी क्या कहते हैं क्रिस्टी होती है आंतरिक उबार होते हैं ठीक है इसके आंतरिक भाग पर अंगुल उबार होते हैं ठीक है अगला देखते हैं कि इसमें खाद्य अणुओं का होता है जिसमें खाद्य अणुओं का खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण होता है और खाद्य अणुओं का जो ऑक्सीकरण होता है तब क्या बनती है ऊर्जा बनती है ऑक्सीजन होता है और ऊर्जा बनती है या एटीपी बनती है ऊर्जा बनती है या ऊर्जा का निर्माण होता है ठीक है जाहिर सी बात है खाद्य पदार्थों का ही जो ऑक्सीकरण होगा तभी तो ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा बनेगी उसी तो इसको क्या कहते हैं पावर हाउस या शक्ति शक्तिग्रह या शक्ति केंद्र ठीक है जाहिर सी बात है और इसमें यह याद रखना कि जो आंतरिक भाग पर जो अंगुली नमा उभार पाए जाते हैं वो इनको क्रिस्टी कहते हैं जो बाइटो में पाए जाते हैं धागे नुमा संरचना होती है ठीक है एक बार देख लेते हैं ने ने कोशिका का पावर हाउस शक्ति शक्ति या के कहते हैं क्योंकि जो जो खाद्य पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण होता है ठीक है और ऊर्जा बनती है इसीलिए उसको शक्ति शक्तिग्रह या पावर हाउस कहते हैं ठीक है दौर जिली या पाई जाती जो धागे नुमा संरचना होती है ठीक है ये विवरण देखा ठीक है कोशिकांग हो गए आज के चार कोशिकांग कंप्लीट हो चुके तो एक बार

गुणसूत्र ऐसी महिला होती है हाइट में और वो बांझ होती है ठीक है वो कभी मां नहीं बन सकती अगला होता है सिर्फ पुरुषों में होता है जिसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है क्योंकि वैसे होते हैं प्लस वाई एक अधिकता हो गई हो गई ठीक है जी गुरु जी ये भी कभी पिता नहीं बन सकते जैसे ठीक है मैंने यही याद करना है कि पुरुषों में एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई क्लाइफेंडर सिंड्रोम होता है महिला में एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है यह याद रखना ठीक है अगला क्या देखा था हमने जो डाउन सिंड्रोम देखा जिसमें इक्कीस जोड़ी में दो गुणसूत्र की जगह तीन गुणसूत्र होते हैं क्योंकि एक जोड़े में दो गुणसूत्र होते हैं और उसमें जोड़े के साथ में एक गुणसूत्र सैतालीस हो जाता है तीन हो जाते हैं तो तो ये इसमें हो जाते हैं तो ये याद रखना कि इक्कीसवें नंबर की जोड़ी में एक दो की जगह तीन हो जाते हैं जी है ठीक है पटाऊ सिंड्रोम में क्या था उसमें तेरव जोड़ी में गुणसूत्रों में दो की जगह तीन गुणसूत्र हो जाते हैं इनकी संख्या याद रखना पटाऊ में तेरा ठीक है पटाऊ

कि जो जोड़ी होती है उसमें दो की जगह तीन हो जाते हैं ठीक है रक्त का जो जब बच्चा लगता है तो रक्त के जो परीक्षण होता है तीन माह पश्चात उसमें इसका इसका जो लक्षण वो दिखाई देने लग जाते तो उसी अगर इलाज कर लिया जाए तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है जी गुरु जी अगला देखते हैं हमने स्टार्ट किया था जो कोशिकांग था तो कोशिकांग में अपना पहला गुणसूत्र वाला कंप्लीट हो चुका था जिसमें पटाऊ सिंड्रोम थे क्लाइन सिंड्रोम थे जितने विकार थे तो कमी या अधिकता के कारण उसके बाद हमने आज अगला जो कोशिकांग था उसमें हमने शुरू किया था टोटल गुणसूत्र जो कोशिकांग तो कौन कौन से थे हमने एक तो कर लिया गुणसूत्र कंप्लीट हो गया अगला था कोशिका भित्ति सेल वॉल अगला है कोशिका झिल्ली उससे अगला है माइट्रोकोड्रिया उससे अगला लाइसोसोम उससे आगे अंता प्रदीप जालिका अगला रिक्टिका लवक प्लाज्मिड तारक और केंद्रक ठीक है जी गुरु गुणसूत्र अपना कंप्लीट हो चुका था अगला था सेल वॉल या कोशिका भित्ति भित्ति कोशिका भित्ती क्या होती है जो सबसे बाहरी आवरण होता है जी निर्जीव होता है निष्क्रिय होता है जी हां। और और क्या होता होता है है यह सेलुलोज का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह याद रखना कि यह सेलुलोज का बना होता है जो कोशिका भित्ति होती है ठीक है कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित संरचना होती है जो निर्जीव निष्क्रिय होती है सेलुलोज की बनी होती है केवल पादपों में स्थित होती है ठीक है बाह्य आघातों से कोशिका की रक्षा करती है सभी बात ठीक है कोशिका इससे मध्य में केंद्रक होता है बाकी जो भी कोशिकांग होते हैं जितने भी केंद्र के अलावा जितने, जितने भी आ रहे हैं का सारी इसमें होती है, सबसे बाहर सेलवोल होती है उसके अंदर होती है जो कोशिका झिल्ली होती है ठीक है ये हो गया उससे अगला था अपना कोशिका झिल्ली तीन नंबर पे कौन सा था कोशिका झिल्ली तो कोशिका झिल्ली में क्या होता है कि कोशिका के बाहरी आवरण या कोशिका के बाहरी झिल्ली के रूप में

जो आणविक गतिविधियां होती है उनके जो मध्य जो जितनी भी गतिविधियां हुई उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करती करती है कोशिका झिल्ली है ठीक है आया समझ में अगर स्क्रीन शोट नहीं लिया तो साथ साथ में स्क्रीन शोट लेते जाइए या अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है जी हाँ अगला देखते हैं माइट्रोकोड्रिया चार नंबर पर कौन सा क्वेश्चन माइट्रोकोन्ड्रिया जी हा माइट्रोकोंड्रिया में यह था कि माइट्रोकोड्रिया की खोज किसने की थी माइट्रोकोड्रिया की खोज किसने की थी अल्टमान ने की थी हमने पहले ही पढ़ाया था उसमें साइंस साइंस वो की 13 क्लास थी उसमें भी पढ़ाया था इसके बारे में हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर के बारे में, तो के बारे में पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा माइट्रोकोड्रिया के बारे में पूछा जाता है तो में सबसे बात है सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी अल्टमान ने नाम किसने दिया था बेंडा ने सी बेंडा ने ठीक है जी गुरु जी दूसरी बात कोशिका का शक्ति शक्तिग्रह किसने कहते हैं को कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं को, माइट्रोकोड्रिया को। कोशिका का जो शक्ति केंद्र होता है वो किसको कहते हैं माइट्रोकोड्रिया गुरु जी कहते क्यों है 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 क्योंकि जो जो खाद्य पदार्थ उनका उनका ऑक्सीकरण होता होने के पश्चात एनर्जी बनती है या ऊर्जा बनती है उसी कारण इसको कोशिका का कोशिका या कोशिका का शक्ति शक्तिग्रह या पावर हाउस कहते हैं ठीक है यह दोहरी झिली द्वारा संरचना होती है या दोहरी झिली इसमें पाई जाती है ठीक है जी गुरु जी दूसरी बात यह दागे संरचना होती है

तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए जी हाँ अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए जी हाँ क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी आप एग्जाम से पहले एक बार इनको वापस देख पाओगे ठीक है जी गुरु जी तो जिन्होंने अभी तक नोट्स बनाने नहीं शुरू किए वो एक बार नोट्स शुरू कर दे ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बार अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है कहीं पे जाकर आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है चाहे ऑनलाइन कोर्स हो कितने भी उसको लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा साइंस का जितना भी, भी विवरण होता है जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें जो भी पूछा जाता है हम सारा विवरण आपको पढ़ाएंगे तो आपको कोई कोर्स या दूसरी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी जो शाम की शाम को छह बजे लाइव क्लास आती है अपनी साइंस की वो ले लीजिए और आठ बजे जो मैथ्स की क्लास होती है जो मैथ्स की क्लास आती है चाहे जी डी हो क्योंकि मैथ्स सब में सेम रहता है तो अपना जीत बेच है वो सबसे बेस्ट है तो आपको किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करे हो, अपना जीत अवश्य मिलेगी आपको इसीलिए अपना बेच का नाम जीत बेच रखा है क्योंकि सबके लिए इक्वल होती है जो मैथ्स होती है और साइंस होती है तो इसके लिए तो हम अपना जीत बेच है वो सबसे बेस्ट है चाहिए हर एग्जाम के लिए ठीक है तो उससे आप कभी जुड़ना न भूलिए शाम को अपनी शाम को जो आठ बजे लाइव क्लास आती है मैथ्स की वो ले लीजिए और अपनी जो शाम को छः बजे अपनी ये क्लास चल रही है ये तो साइंस की एक नंबर ब्रमास्तर की तरह काम करिए और अपनी जुबह से सात पंद्रह क्लास आती है सुबह वो ब्रमास्तर की तरह काम करेगी कि इन्हीं में से सिचुएशन बनते हैं जो कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं या कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है वैसी वो ब्रमास्तर सीरीज रखिए क्योंकि उसमें हमने करंट भी एड कर रखा है तो ठीक है साथ साथ में करंट भी अपना कवर होता जा रहा है तो वो क्लास भी लेना ना बोले ठीक है इसके साथ आज की क्लास से यहीं पे आज से आगाज या यहाँ पे इजाजत चाहते हैं जय हिंद वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद